नमस्कार फ्रेंड्स, फुल पिटारा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर की कांजी। गर्मियां शुरू होने वाली हैं, होली का त्योहार आने वाला है, उसके लिए गाजर की कांजी बहुत ही बढ़िया रहती है, ठंडक पहुंचाती है, मेहमानों को हम सर्व कर सकते हैं और पेट के हाजमे के लिए हम डेली एक ग्लास पी भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और जल्दी से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो आइए सीखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। ये सबसे पहले इसके लिए मैंने ली हैं कुछ गाजर, तीन ये लाल वाली गाजर हैं। गाजर मार्केट में तीन तरह की आती है, लाल गाजर, काली गाजर और पीली गाजर। तो किसी भी तरह की गाजर का हम बना सकते हैं। मैंने ये लाल वाली तीन गाजर ली हैं, उसके पतले पतले पीसेस कर लिए धो के छील के, और ये कुछ पीसेस मैंने चुकंदर लिया है, बीट रूट, ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। काली गाजर में इसको चुकंदर को डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उससे बहुत बढ़िया रंग अपने आप ही आ जाता है, लेकिन ये लाल वाली गाजर का रंग कुछ हल्का रहता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसमें चुकंदर भी मिलाएंगे हम इसमें। और ये मैंने पानी बॉयल कर लिया है, एक पतीला लगभग 2 लीटर पानी है, ये बॉयल करके थोड़ा सा ये गुनगुना है इस समय। ये मसाले हम क्या क्या डालेंगे, ये है पिसी हुई राई लगभग 2-2.5 चम्मच हैं, थोड़ी सी आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, एक चुटकी हींग, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच के करीब है ये काला नमक। काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हींग और पीसी हुई राई, ये चीज़ें हम मिला देंगे। अब करना क्या है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ये मैंने एक कांच का जार लिया है, इसमें गाजर मिला देंगे, गाजर चुकंदर जो भी हमने काट रखा है ये हम इसमें डाल देंगे। इसी के ऊपर ही हम सारे ये मसाले डाल देंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, कुछ पकाना नहीं, कुछ नहीं है, बस सिंपली मेजरमेंट आपका कम ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खट्टा नमकीन पानी जो पेट के हाजमे के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, इस तरह से हम इसमें ये सारे मसाले मिला देने के बाद ये उबला हुआ पानी इसमें मिलाएंगे। ये मैं ही वीडियो बना रही हूँ और मैं ही काम कर रही हूँ, इसलिए जरा दिक्कत हो रही है। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए अभी इसका ये ऐसा रंग है, ये इसका 2 दिन हम इसको धूप में रखेंगे, इसका बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा और इसका जो राई का फ्लेवर है बहुत बढ़िया खट्टा फ्लेवर आएगा, पीने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। 2 दिन के बाद हम इसका कलर देखेंगे कैसा हुआ है। फ्रेंड्स, 2 दिन हो गए हैं इस कांजी को धूप में, देखिए कितना सुंदर कलर आया है और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार है। इसमें देखिए राई ने कितना अच्छा अपना फ्लेवर छोड़ दिया, बहुत सुंदर कलर आया है और इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं सर्व करने से पहले। सर्व करने से पहले हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, यदि नमक कम है तो और ऐड कर सकते हैं, नमक लगता है कि ज़्यादा है तो हम उसमें थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। तो इस तरह से आइए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए तैयार है ये बिल्कुल सर्व करने के लिए, बहुत सब जो भी पियेंगे आपकी तारीफ करेंगे, जितना ये पीने में स्वादिष्ट है उतना ही ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, पेट को साफ करता है और डाइजेशन बढ़ाता है। तो आप भी घर पर बनाइए ये झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
धन्यवाद।